Hello students, welcome to the fourth lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, third chapter, Quality of Water. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल टेस्ट के बारे में, ठीक है, केमिकल टेस्ट के बारे में. तो ये जो टेस्ट है, तो ये लगभग 12 प्रकार के जो है टेस्ट इसमें होते हैं केमिकल टेस्ट में. जैसे टोटल सॉलिड, पीएच वैल्यू, हार्डनेस, क्लोरीड, क्लोरीन, क्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन एंड मैग्नीज, लेड, कैल्शियम एंड सोडियम एंड कॉपर एंड फ्लोरीन. तो ये सभी सारे टेस्ट जो है केमिकल टेस्ट कहलाते हैं या केमिकल टेस्ट के अंदर आते हैं. तो इन सभी का जो है केमिकल क्ली तौर पर जो है टेस्ट किया जाता है. सबसे पहले आ गया टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड. तो ये भी टोटल सॉलिड जो है दो प्रकार के होते हैं. नंबर एक सस्पेंडेड, सस्पेंडेड सॉलिड. नंबर दो, नंबर एक सस्पेंडेड सॉलिड, नंबर दो डिजॉल्व्ड एंड कोलोइडल कोलोइडल सॉलिड, ठीक है. तो जो ये टोटल सॉलिड जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है. तो जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड है तो इसको जो है क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है. डिटरमाइनेशन है वाइप फिल्ट्रेशन, फिल्टरिंग जो है उसको जो है फिल्टर किया जाता है, ठीक है, उसको छान लिया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है. तो उसके बाद उसके क्या किया जाता है, देन ड्राई, उसे सुखाया जाता है. तो फाइन फिल्टर के द्वारा इसको जो है फिल्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है और उसका वेट किया जाता है, द क्वालिटी ऑफ डिजॉल्व एंड कोलोइडल. तो इन दोनों को जो है डिजॉल्व और कोलोइडल को इसको जो है वेपोरेट किया जाता है. तो उसको जो है भाप के द्वारा जो उसको जो है गर्म करके जो है भाप जो है उसको जो है ऑब्टेन किया जाता है और उसके बाद फिर उसका जो है वेट किया जाता है, ठीक है. इवेपोरेट कर देते हैं या उसको जो है गर्म कर देते हैं, ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ टोटल सॉलिड्स इन द वाटर सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेपोरेटिंग, ठीक है, भाप के द्वारा द वाटर एंड वेइंग द रेजिड्यूज, उसका जो है वेट किया जाता है. इनऑर्गेनिक सॉलिड जो है डिटरमाइनेशन फ्यूजिंग रेजिड्यू द टोटल सॉलिड ऑफ मफल फर्नेस, ठीक है. तो ये किसकी में किया जाता है, मफल फर्नेस के द्वारा इसको जो है टोटल सॉलिड्स जितने भी होते हैं, ठीक है, मफल फर्नेस के द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है. तो फिर इसको जो है डिटेक्टिंग किया जाता है, टोटल सॉलिड इन वाटर शुड नॉट एक्सीड 1000 ppm, ठीक है, 1000 पार्ट पर मिलियन से जो है ये ज्यादा नहीं होने चाहिए, बट दे शुड बी प्रेफरेबली लेस देन 500, ठीक है. तो 500 से जो है कम ही रहने चाहिए. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ क्लोराइड्स, नाइट्रेट एंड अदर कंपाउंड्स विच कॉज हार्डनेस इज इन वाटर, ठीक है, क्योंकि ये जो है पानी के अंदर जो है कठोरता रहती है या ठोस रहता है, ठीक है, हार्डनेस रहती है उसके अंदर. तो उसके किसके कारण, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड अदर कंपाउंड के कारण, ठीक है. तो ये था टोटल सॉलिड या ये सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड का जो टेस्ट करना है, ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया सेकेंड, हार्डनेस. सेकेंड हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस तो हार्डनेस इज करेक्ट जो वाटर प्रिवेंट द लैंडरिंग ऑफ सोप, ठीक है. तो जो उसके अंदर जो है बाप की जो साबुन की जो है तो झाग जो है उसके अंदर मिला दिए जाते हैं पानी के अंदर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड एंड नाइट्रेट
of calcium and magnesium. The hardness of water is not harmful to public health unless it is excessive, but it consumes more soap, okay, and form deposit in the boiler. ठीक है, तो जो ज्यादा ज्यादा सॉप जो है उसके अंदर बॉयलर के अंदर डिपॉजिट हो जाती है. टू सॉफ्ट वाटर इज टेस्टलेस. जो ज्यादा सॉफ्ट वाटर होता है वो टेस्टलेस रहता है. ठीक है, हार्डनेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम पार्ट पर मिलियन में और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन वाटर. तो पानी के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की जो है उसके अंदर मौजूद रहते हैं. हार्डनेस शुड नॉट लेस देन 50 ppm. तो जो हार्डनेस रहती है वो 50 ppm से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और नॉट मोर देन 200 ppm, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस सरफेस वाटर आर सॉफ्टर देन सरफेस सब सरफेस वाटर. तो जो ग्राउंड का जो ऊपर का पानी है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है. ठीक है, नरम होता है इसके मुकाबले में अंडरग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर के मुकाबले में. ठीक है, तो हार्डनेस एक्सेसिव सब सरफेस वाटर की कितनी रहती है? 300 ppm एज दे कम इन द कॉन्टैक्ट विद मिनरल, जब किसी मिनरल के जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं. मैगनीज एंड आयरन इन कॉन्सेंट्रेट मोर देन 0.3 ppm आर नॉट एक्सेप्टेबल एज दे कॉज डिसकलरेशन ऑफ क्लॉथ. ठीक है, तो जो है वो रंग चेंज नहीं करते किसी भी कपड़े का. ठीक है, जैसे कि धोते हैं कपड़े तो वो उसमें रंग चेंज. मैग्नीज ऑक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है इसके अंदर डिपॉजिट के दिए जाते हैं. ओल्ड मेथड ड्राइंग. ठीक है, तो हार्डनेस का जो है मेन मेथड क्या है हार्डनेस चेक करने का? तो 100 × mL ऑफ EDTA यूज्ड मिलीलीटर ऑफ वाटर सैंपल पार्ट पर मिलियन. ठीक है, तो ये सारा एडीटी क्या है? क्या है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट. जो ये एडीटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडीटीए एथिलीन एथिलीन डायमीन टेट्रा टेट्रा एसिटेट. ठीक है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट. ठीक है, तो जो सोडियम ठीक है, तो इसको जो है वर्सनेट मेथड के नाम से भी जो सोडियम एथिलीन जो ये है इसको क्या कहते हैं? वर्सलेन मेथड के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, दिस मेथड वाटर इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट EDTA सॉल्ट सॉल्यूशन. EDTA सॉल्ट सॉल्यूशन जो एलियोक्रोम ब्लैक टी एस इंडिकेटर सॉल्यूशन.
ठीक है। तो हार्डनेस जो है बीपीएम में रहती है, हार्डनेस इन पीपीएम, और ये डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो ये क्या रहते हैं, जैसे 0 से 55, तो ये किसका है, सॉफ्ट वाटर, ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर है। अगर 56 से 100 है, 100 ppm है, तो ये स्लाइटली हार्ड, तो थोड़ा सा हार्ड रहता है वाटर, ठीक है। तो जो 101 से 200 रहता है, 200 ppm, तो ये क्या है, मॉडरेट हार्ड, जो
सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रहती है सोडियम की मात्रा जो है प्लस में रहती है, प्लस जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये थे एसिडिक में। ठीक है, तो एसिडिक वाटर विल बी मेनी हाइड्रोजन आयोन्स एंड एल्कलाइन विल बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोन, तो ये माइनस में रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया डिजॉल्व गैसेस। पानी के अंदर कौन कौन सी गैसें जो है उसके अंदर डिजॉल्व रहती हैं या उसके अंदर मिक्स रहते हैं, तो वाटर कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिजॉल्व गैसेस जैसे एटमॉस्फेयर एंड द अदर गैसेस। व्हेन इट ट्रेवल ऑन द अर्थ सरफेस डिजॉल्व गैसेस में भी जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अमोनिया एट्रोजन, तो कौन कौन सी जो डिजॉल्व गैसेज होती हैं, तो वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अमोनिया गैसेस के अंदर जो है मिक्स रहती है, डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, इट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ, वाटर कैन बी होल्ड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बहुत कम मात्रा में जो सीओ टू प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन में बिहेव एज एन एजेंट ऑफ कोरोजन पार्शली व्हेन सीओ टू इज प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय 10% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट 27 डिग्री सी, तो जो है 27 डिग्री सी पर जो है 4 घंटे के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन 10% है उसके अंदर जो है डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जो है प्योरिफिकेशन रहती है, सेल्फ प्योरिफिकेशन रहता है पोल्यूटेड स्ट्रीम इन और रिवर। ठीक है, जितने भी अपना नदियां वगैरह है तो उसमें जो है सेल्फ पोल्यूट यानी कि उसके अंदर प्योरिफाई वाटर रहता है। ठीक है, तो ये था, नेक्स्ट है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, नंबर 4 क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर पानी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेन सब्सटेंस के रूप में, मेन तत्व के रूप में, ठीक है, मेन पदार्थ के रूप में जो है क्लोराइड वाटर। ठीक है, क्लोराइड गिव्स सेलेन ऑफ वाटर नेचुरल वाटर डिजॉल्व सोडियम ऑफ क्लोराइड नियर द माइंस एंड सी, तो जहाँ पे जो है माइंस या जो कोयले की खुदाई वगैरह होती है या जो है समुन्द्र का पानी होता है, तो उसमें जो है क्या होता है कि क्लोराइड की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो क्लोराइड इन वाटर शुड बी लिमिटेड टू 250 ppm। ठीक है, 250 parts per million जो है इसके अंदर जो लिमिटेड मात्रा रहती है, एन एक्सेस अगर ज़्यादा रहेगी तो वो डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रयोग के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लोराइड कैन बी रिड्यूस टू डिल्यूटिंग द वाटर, द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज डिटरमाइनेशन डिटाइट्रेटिंग ऑफ वाटर द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एंड पोटेशियम डाइक्रोनेट क्रोमेट।
ठीक है, सोडियम द सॉल्यूशन शुड बी कंटीन्यूअसली स्टर्ड रेडियस कलर विल बी अपीयर्ड। अगर क्लोराइड की मात्रा उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो रेडियस कलर जो है अपीयर कर देता है, ठीक है, उसको अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट आ गया क्लोरीन, नंबर 5 क्लोरीन। तो क्लोरीन जो रहता है डिजॉल्व फ्री क्लोरीन कैन नेवर बी फाउंड इन नेचुरल वाटर, ठीक है, नेचुरल वाटर में नहीं रहता है। इट फाउंड ओनली इन ट्रीटेड वाटर रिजुलेटिंग फ्रॉम डिसइंफेक्शन ऑफ विद क्लोरीन। अगर उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा जो है मिला दी जाए, ठीक है, तब वो उसके अंदर इट शुड रिमेन इन प्योर वाटर 0.1 से 0.2 ppm, 0.1 से 0.2 ppm पार्ट पर मिलियन, शेक ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट फोटोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, स्टार आयोडाइड टेस्ट और उसके बाद ऑर्थो टेस्ट, ठीक है। नंबर 7 आ गया, 6 सॉरी, आर्सेनिक। तो ये आर्सेनिक जो है तत्व जो इसके अंदर मिलता है, तो इट इज रेयरली फाउंड इन नेचुरल, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.05 ppm इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पीने के पानी में 0.05 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज पॉइजनस टू पब्लिक हेल्थ, जो आर्सेनिक है जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है रहता है इसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। इट कैन बी डिटेक्टेड इन कंडक्टिंग केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आयरन एंड मैंगनीज, आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है। तो पानी के अंदर आयरन एंड मैंगनीज भी रहते हैं नेचुरल तौर पर जो है प्रेजेंट रहते हैं, 0.3 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से। तो मोर अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड्स, तो इसमें जो ज़्यादा मात्रा है जो है वो फॉर डोमेस्टिक ब्लीचिंग लॉन्ड्री एंड ड्राइंग, ठीक है। तो जो आयरन एंड मैंगनीज जो इसका जो ज़्यादा प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लॉन्ड्री के लिए कपड़े वगैरह धोने, डोमेस्टिक ब्लीचिंग वगैरह के लिए, ड्राइंग के लिए ड्राई वगैरह करते हैं, ठीक है। इस इम्पार्ट ब्राउननेस रेड कलर, ठीक है, क्योंकि जो बालों में लगाते हैं ना तो वो रेड कलर फिर शो कर देता है। लेट द ग्रोथ द माइक्रोएग्रेजन एंड क्रॉल्ड द वाटर पाइप, तो ये पानी की जो पाइप्स होती है उसको भी जंग लगा देता है, ठीक है, जंग लगाने में या क्रोजन करने में इसका ज़्यादा महत्व रहता है। तो इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्लोरीमेट्रिक मेथड के द्वारा जो ऐसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो सम का जो है कलरिंग एजेंट आर एडेड इन वाटर, ठीक है, कलर जो है ऐड कर दिए जाते हैं, फॉर्म्ड इन कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन। तो उसको जो कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड कलर जो है रहता है पानी का, और जो दूसरा जिसके अंदर जो है क्लोरीमेट्रिक मेथड के द्वारा जो कलर उसके अंदर डाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया लेड, तो लेड भी लेड, ठीक है, शीशा। इट इज रेयरली फाउंड इन नेचुरल वाटर बट मे बी फाउंड इन दोज वाटर विच हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद लेड कंटेनर या लेड पाइप। तो जितनी भी जो शीशे की या लेड पाइप रहती हैं तो उसके कॉन्टैक्ट में आने से ही जो है उसके अंदर लेड की मात्रा जो है रहती है पानी के अंदर, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन 0.05 पार्ट पर मिलियन, इट इज पॉइजनस एंड डेंजरस टू पब्लिक हेल्थ, इट प्रेजेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ केमिकल टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया कैल्शियम एंड सोडियम, तो ये कैल्शियम एंड सोडियम
तो ये भी प्रेजेंट रहते हैं वाटर के अंदर। कैल्शियम कंपाउंड इज सप्लाइड फॉर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड जिप्सम एंड लाइमस्टोन। फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड जिप्सम जितने भी रहते हैं या लाइमस्टोन चूना पत्थर के द्वारा, ठीक है। लाइमस्टोन शुड बी लिमिटेड इन 13 ppm, 13 पार्ट पर मिलियन रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीज अप टू 100 ppm। तो जिप्सम जो है रहता है CA, कैल्शियम सल्फेट कैन बी सोल्यूबल अप टू 2000 ppm, ठीक है, 2000 ppm पार्ट पर मिलियन इन वाटर। कैल्शियम क्लोराइड आर आल्सो हाईली सोल्यूबल, ठीक है, इन वाटर। सोडियम इज फाउंड सोडियम, ठीक है, सी। तो जो जहाँ पे जो है समुद्र के पानी रहते हैं, ठीक है, समुद्र का पानी रहता है वहाँ पे जो है इसकी मात्रा जो है ज़्यादा उसके अंदर रहती है। नेक्स्ट आ गया कॉपर, नेचुरल जो प्राकृतिक वाटर होता है उसके पानी होता है उसके अंदर ज्यादा रहती है कॉपर की मात्रा। बट इट इज यूज्ड इन फूड एंड कॉपर सल्फेट टू कंट्रोल माइक्रोऑर्गेनिज्म स्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स पोल्यूटेड वाटर। तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाला जाता है। क्वांटिटी कॉपर शुड बी लिमिटेड 3 ppm, ठीक है, 3 ppm रहती है। ट्रीटेड वाटर फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको जो है साफ किया जाता है हेल्थ पॉइंट्स के वजह से, ठीक है, ताकि ये किसी भी शरीर को जो है नुकसान ना पहुंचा सके। तो नेक्स्ट आ गया फ्लोरीन, एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।